हेलो गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए स्प्राउट्स मूंग दाल चीला। तो सबसे पहले हमने चना लिया है हाफ कप, और हाफ कप मूंग स्प्राउट लिया है। एक हरी मिर्च डाल देते हैं, चार पीस। हम यहाँ पे लहसुन की कलियाँ डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड होने के बाद बैटर इस तरह दिखेगा। चलिए इसे बाउल में डाल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम नमक, धनिया की पत्ती, थोड़ा सा जीरा डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चलिए ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा चावल का आटा 1/4 और 1/4 बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा और बेसन डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, और हम विदाउट ऑयल बना रहे हैं तो इसलिए आसानी से तवे से निकल भी जाएगा। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा थिक दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसे चीला बनाना है बढ़िया क्रिस्पी। चलिए तैयार हो गया, हमने तवा चढ़ा दिया था। चलिए इसे तवा पे डालकर अच्छे से फैला लेते हैं। इस तरह से फैला लीजिए, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो इसे ढककर हमें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, और 5 मिनट बाद इस तरह से ये दिखेगा। चलिए इसे पलट लेते हैं, और ये लीजिए, स्प्राउट चीला इज़ रेडी। एंजॉय।